हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रावण, अर्जुन रामपाल खुद। अर्जुन, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत मुबारक कहा, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन पार्टी फेंका है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अर्जुन, आपको लगता है कि रावण के नाम से लोगों ने आपको अमर कर दिया है, अभी रावण नाम से आपको जाना जाएगा? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी किरदार मैं निभाऊँ उस नाम से मैं जाना जाऊँ, क्योंकि जब ऐसा मौका मिलता है और ऐसे किरदार मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं अपने करियर में, मगर मैं खुशनसीब हूँ, मुझे जो मिला रॉक ऑन के ज़रिए, माइकी मिला ओम शांति ओम के ज़रिए, यू नो पृथ्वी मिला राजनीति के ज़रिए, और अब रावण मिला। तो या होपफुली लोग आपके किरदार से, इनफैक्ट ऑल बीट क्रिटिक्स, बीट ऑडियंस, दे जस्ट लव योर कैरेक्टर एंड दे वर लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर। क्या आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड हुए थे जितना? मैं उन सबका शुक्र गुजार हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली शुक्रिया अदा करूँगा शाहरुख का, क्योंकि उन्होंने जब मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें रावण का किरदार निभाना है और तुम्हें अपने बाल उड़ाने पड़ेंगे, यू नो, और एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी बनानी पड़ेगी। तो ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं, तो मैं खुश हूँ। आई थिंक जो ऑडियंस की रिएक्शन है, जो रावण ने की है, आई थिंक यू जस्ट फील प्राउड। आई थिंक वही है, वही एक शब्द है कि आप यू नो सोचते हैं कि मे बी ऊपर वाला यानी कि ब्लेस कर रहा है आपको, तो दैट्स व्हाट ऑल यू से। इनफैक्ट अर्जुन, आई मेट सुधीर मिश्रा फ्यू डेज बैक, और अब उन्हीं के साथ आपने एक फिल्म खत्म की है विद सुधीर मिश्रा, चित्रांगदा स्टारर। सुधीर टोल्ड मी कि आरती में अर्जुन के लिए रॉक कौन से वेट कर रहा था कि मुझे अर्जुन के साथ काम करना है, सो हाउ इज इट वर्किंग विद द फिल्म? ही वाज सो हैप्पी। सुधीर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो 2 बजे दोपहर को शूटिंग शुरू करते हैं और सुबह के 6 बजे आपको छोड़ते हैं, तो और उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। चित्रांगदा एक बहुत ही टैलेंटेड और अच्छी एक्ट्रेस है, और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और ये जो एक सब्जेक्ट है, एक छोटी फिल्म नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है, और मैं चाहूँगा कि दर्शक उसे पसंद करें।